ये वाला बिंदी लगाया मैंने बट गाइस हम बैठ गए हैं अब चलते हैं। तो आदि ने बोला कि इधर डॉग्स हैं तो हम शूट नहीं करेंगे। वाओ हमारे घर में युद्ध चल रहा है। गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस आज रिपब्लिक डे है, हैप्पी रिपब्लिक डे आप सभी को मेरी तरफ से और मेरी पूरी फैमिली की तरफ से। और तो आज रिपब्लिक डे है आप लोगों को पता ही है। तो मैं अपनी स्कूल तो नहीं जा सकती क्योंकि स्कूल में जाना अभी परमिशन नहीं मिली है। तो हम अपने घर से ही वीडियोस बना रहे हैं और मैम को दे रहे हैं अपनी वीडियोस बना के। मतलब जितनी भी लोगों ने, मतलब मेरी फ्रेंड्स ने, मेरी क्लासमेट ने जितनी भी प्रिपरेशन की है, मतलब कुछ भी अपने तरफ से तैयार किया है वो दे रहे हैं। मैंने डांसिंग वीडियोस मतलब बनाऊंगी और मैं उनको दूंगी। तो मैं डांसिंग वीडियो बनाने के लिए बाहर जा रही हूँ और अपना इंस्टा की रील भी मेरे को शूट करनी है तो वो भी मैं बाहर करूँगी। तो अभी बस मैं जस्ट मैंने सूट डाला है और उसका ऊपर ये दुपट्टा। तो अभी मैं पूरी तरह से रेडी नहीं हुई हूँ, अभी मैं रेडी होती हूँ। रेडी होने के बाद हम चलते हैं बाहर शूट करने के लिए, बहुत सारी वीडियोस बनाने के लिए, फोटोशूट करने के लिए। आज बहुत मज़ा आने वाला है। मतलब एक होता है ना, एक अंदर से खुशी होती है कि अब मैं जल्दी से तैयार हो जाती हूँ क्योंकि टाइम बहुत हो चुका है और अभी तक मैं बस सुबह से ये वो ये और ना शूट भी पता है मैं लेट करने लगी हूँ। तो जल्दी से हम तैयार होते हैं उसके बाद आपसे मिलते हैं। गाइस मैं भी यहाँ रेडी हो चुका हूँ। तो श्वेता यहाँ भी रेडी हो रही है, देखो ऐसे गेटअप में है श्वेता। अभी रेडी हो रही हूँ। चलो तुम्हें बाहर के लिए। अरे आज तो गजब हो गया। अरे आज तो धूप निकल गई बिना कहे। आ जा ये देखो नीचे जाने, नीचे जाएगा भी नीचे, नीचे चल आ जा। गया आ जा। और हो रहा हूँ घर पे कोई है नहीं। ऑरेंज कलर की या ग्रीन कलर की बिंदी लगानी थी और मैंने आदि से बोला था कि लेके आई हूँ, अब वो लेके नहीं आया अभी तक। अब मुझे खुद ही लेके जाना पड़ेगा, मैं जल्दी से लेने जाती हूँ। बेचैन मत हो भाई, बेचैन मत हो। यहाँ से ना ऑरेंज कलर की प्लेन बिंदी लिया पोटी डाल के जाऊंगी। गाइस मम्मा को मेरी टेंशन बहुत रहती है, इन्हें समझाओ कि मैं पोटी डाल के। मम्मी समझाओ मत मारो, छत पे चलो। बस मैं रेडी हो चुकी हूँ पूरी तरह से, बस एक छोटी सी बिंदी रह रही है और मैं लग के सी रही हूँ। आप मुझे प्लीज कमेंट में बताना ठीक है। पहले मुझे बताओ। तो मम्मा यहाँ मेरे लिए बिंदी लेके आई है। मम्मा मैंने प्लेन के लिए बोला था, देख लगा ये लेके आई है, ये वाली लेके आई है। मैं प्लेन के लिए बोल रही थी तो उसकी मोती छुटा दे। हाँ हाँ सही आइडिया दिया आपने, मोती छुटा देती। ये वाला बिंदी लगाया है मैंने बट ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ये थोड़ा स्टोन में हो गया ना, इसलिए मैं इसका स्टोन छुटा देती हूँ, ऐसा करती हूँ है ना, तब अच्छा लगेगा। ये वाली बिंदी चमक नहीं रही है बिल्कुल, पर कोई बात नहीं मैं तब भी इसको लगा दूंगी, बट अभी नहीं, जब वीडियो बनाऊंगी तब लगाऊंगी। ये लेके आई है ऐसे, हाँ मेरे पास एक हुआ है उसको लगा लेती हूँ, ऐसा करती हूँ। गाइस पूरी तरह से रेडी हो गई हूँ, अब हम चलते हैं बाहर। देखो यहाँ पे मैंने ये तिलक लगाया। मम्मा बोले कि कहाँ है मम्मा, मम्मा ना साग काट रही है, देखो आज के दिन भी साग बना रही है। तो मम्मा ने बोला मैं तिलक लगा देती हूँ। मम्मा बहुत अच्छी है, मेरा हेल्प करती है, कुछ सामान नहीं मिलता तो बताती है कि ऐसे नहीं ऐसा करना। मम्मा ना हो ना तो मैंने मैं कैसे करूँ। थैंक यू मम्मी, बाय बाय। मम्मा जब से बोलिए ध्यान से जाना, ध्यान से जाना, बाय जा रही मैं। गेट तो लगा लो। अरे मेरा कोट डलवा दिया, ब्लेजर डाल के जा, अब ब्लेजर डाल के जाना पड़ा है। गाइस हम बैठ गए हैं अब चलते हैं। मम्मा बोली चल 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 जल्दी चल जल्दी चल भाई। आ गए हैं हम, मेरा टीका तो दिख ही गया। आदि और मैं हम बोल रहे थे कि हम ना सामने शूट करते हैं, तो आदि ने बोला कि इधर डॉग्स हैं तो हम शूट नहीं करेंगे। पिछली बार गए थे ना उसको देख के बहुत ज्यादा बताओ, हमने हमारे क्या फट नहीं जाती पिछली बार पता होगा। देखो मैं दिखाती हूँ डॉग्स का, तो आदि मना कर रहा है अब हमें जाना है इधर, तो चलते हैं अब इधर। चल चला लेगा, मिली है यहाँ पे बनाते हैं।
हंग्री हूँ। ड्रोगे की वजह से आज का दिमाग खराब हो जाता है। तो हम यहाँ पे सन की लाइट भी बहुत अच्छी से आ रही है, यहाँ पे शूट मतलब उधर। तो गाइस हमने सब शूट कर लिया है अपना, अब हम चलते हैं घर। मस्त धूप भी निकल गई है और आदि बोल रहा है कि मैं थक गया हूँ, अब चलते हैं हम घर। और ये लोकेशन देखो कितनी प्यारी सी थी, तो चलें। आज मेरा मन नहीं है चलाने का। चल तो ठीक है, मैं चलाती हूँ, पकड़। हाँ मैं ऑर्डर हूँ, पकड़ तो ले। तो हाथ पैर दर्द कर रहे हैं मेरे, रात भी कर रहे थे और आप भी कर रहे हैं, और ऐसा चलाने के लिए दे दिए मैंने। आ गए हैं घर, मम्मा कपड़े धोने लग रही है। मैं छत पर आ गई हूँ, बहुत ज्यादा प्यास लग रही है। और देखो इधर का मौसम बहुत काला हो रहा है, बहुत ज्यादा काला हो रहा है, बारिश पड़ने वाली है। 26 जनवरी को हमेशा बारिश पड़ती है, हमेशा बारिश बोल रही हूँ, बारिश पड़ती है। मौसम कैसा हो रहा है और देखो बादल ही बादल है, बारिश कभी भी पड़ने वाली है। आदि मुझे ये डर लग रहा था कि बारिश पड़ेगी तो हम गीले हो जाएंगे, बट हम आ गए पहले और कपड़े सूख रहे हैं यहाँ पे। तो गाइस मैंने वीडियो बना लिया अपना पूरा, जितना भी था थोड़ा बच रही थी। वहाँ पे आदि बोल रहा था कि मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, तो मैं शूट नहीं कर पाई थी, तो मैंने घर आके शूट कर ली वो वीडियो। तो फाइनली सारी शूट हो गई है, अब मेरा काम पूरा तरीके से ख़त्म हो गया है। अब मैं थोड़ी देर करती हूँ रेस्ट, और रेस्ट करने के बाद फिर मैं आप लोगों से बात करती हूँ। देखो ना बात भी बिखरे बिखरे हो गए मेरे, तो ड्रेस भी चेंज करनी है। तो ये वाइट है ना, वाइट सूट ज़्यादा जल्दी गंदा हो जाता है, फिर उसमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। मैं मेहनत ज़्यादा करना नहीं चाहती, इसलिए ज़्यादा देर तक सूट पहनना नहीं चाहती। मैं इसे चेंज करती हूँ, फिर रेस्ट करती हूँ, फिर आप लोगों से फिर बात करती हूँ। क्या है चेंज, अब मुझे बहुत तेज भूख लग रही थी तो मैंने बनाया है नमकीन चावल, अब मैं खा लेती हूँ। आपको मेरा ये बहुत ज़्यादा हराम है, खाना नहीं बनाती है, बहुत ज़्यादा भूखा मार देती है रोज। पिटने का काम कर रही है, दिमाग खराब मत कर, वैसे हो रहा है मेरा। वाओ सुपर, वाओ सुपर, ये बनाया है मैंने। कैसे बन रहा है? अच्छा बन रहा है। यहाँ पे हम सब खा रहे हैं चावल, मैंने बनाया है। मेरे को एक रोटी ला दी, बहुत तेज भूख लग रही है, बहुत तेज। मम्मा को भी बहुत तेज भूख लग रही थी, पता नहीं मम्मा कहाँ चली गई। जब आएंगे तब खा लेंगे, अभी फिलहाल हम खा लेते हैं कि बहुत तेज भूख लग रही है। प्लेट नहीं थी क्या? प्लेट आ गई है, मम्मा आप भी खा लो आप। अरे वाह मोतीचूर का लड्डू मेरा फेवरेट। मुझे मीठे में कुछ पसंद नहीं है, बट मोतीचूर के आगे मुझे कुछ नहीं दिखता, मतलब मैं बीच रास्ते पे भी खड़े होके से खा सकती हूँ। मैं इसके लिए इतनी ज्यादा पागल रहती हूँ, बहुत ज्यादा। ये जो मोतीचूर के लड्डू होते हैं ना, ये वाला बहुत फेवरेट है। अब मैंने चावल छोड़ दिया इसके चक्कर में। मैंने अब लड्डू अपना खा लिया, फिनिश कर लिया, अब खाती हूँ मैं चावल। कैसे घुस रहा है फोन में, फिर खा रहा है खाना, कितना अजीब लड़का है। मैं शूट कर रही हूँ, देख नहीं रही हूँ, ठीक है ना, तू देख के खा रहा है। तो गाइस चावल में इतनी ज्यादा मिर्च थी कि मेरे कान में से धुएं निकल रहे हैं ना। देख तो चावल खाती नहीं है, और जब भी मैं चावल बनाती हूँ और ये खाती है ना, मैं धुएं निकालने वाला ही चावल बना देती हूँ। फिर बाद में मुझे बोलती है धुएं निकालने वाले चावल खिला दिए। हरी मिर्च ज्यादा हो गई थी तो इसलिए थोड़ा सा ज्यादा हो गई मिर्च, वरना तो टेस्टी बहुत बन रहे थे। तो गाइस अब मैं अभी अभी सो के उठी थी, टाइम हो गया 7 बजे ना पापा, 7 बजे है। तो मेरे ऊपर डांट का पहाड़ टूट पड़ा है, मम्मी ने मुझे इतनी ज्यादा डांट, इतनी ज्यादा डीट, मुझे हंसी आ रही है। मतलब मम्मी ने मुझे इतना सुनाया। पहले मैं मम्मी की डांट से बहुत रो, मतलब अगर मम्मी थोड़ा सा भी डांटती थी मैं रो जाती थी जब मैं छोटी सी थी। जैसे जैसे बड़ी हो रही वैसे वैसे डीट हो रही हूँ। तो मम्मी वहां बैठी, मम्मी को बीपी हो रहा है दी, और मुझ पे मम्मी ने डांट का पहाड़ तोड़ दिया, वो वहां पे लग रही है। मैं यहाँ पे सुन रही थी, ओ मम्मी इतनी ज्यादा हाइपर हो रही थी, अब मम्मी ने ठंडा पानी पिया है, पानी भी गर्म पी रही है। एक तो बीपी आई हो ना आपका, ऊपर से आप गर्म पानी पी रही हो। मम्मी का मुंह कैसे लाल हो रखा है, बहुत ज्यादा। वो हमारे कारण, हम कुछ ऐसा थोड़ा बहुत ऐसा कुछ काम कर देते हैं जो मम्मी को गुस्सा आ जाता है बहुत ज्यादा। और मम्मी कह रही थी ये नहीं वो नहीं, ये नहीं करती वो नहीं करती वो नहीं करती, और कह के कान में दर्द भी कर दिया हमारे। छोड़ो रात हो चुकी है गैस, और अब बन रही है चाय। पापा क्या हुआ? आज पकौड़ी नहीं बनाई। हाँ गैस पता है, पापा बोल रहे थे कि आज मैं पकौड़ी, मेरा पकौड़ी खाने का मन है, और फिर पकौड़ी बनी नहीं तो पापा इसलिए देखो कैसे बैठे हैं कि पकौड़ी बनाई नहीं, मेरे पकौड़ी खाने का मन था। आज के बाद सालों कभी भी बेसन नहीं लाने।
पकौड़ी नहीं बनती ना, इसने नहीं बनाई मेरी पकौड़ी। बहुत अच्छा है पकौड़ी, पता क्यों नहीं बनाई मैंने? आलू नहीं थे, आलू नहीं थे इसलिए पकौड़ी नहीं बनाई गई इसने। देख सकते हो मम्मी का पारा बहुत ज्यादा गर्म है। हमारे घर में युद्ध चल रहा है। चाय बन गई है मेरी, चाय पी के ना मजा आ जाता है सर्दी में, मुझे तो बहुत आता है बहुत ज्यादा। कैसे एक कप भर के चाय पीती है लड़की को देखो। मैं कभी साग बनवा लेती तो बस हमारी मर्जी को कुछ नहीं बनता। हाँ वही तो, हमारी मर्जी को बनते ही नहीं कुछ। मेरा मनपसंद या आदि का मनपसंद बनाया। हाँ राजमा चावल की तो अलग बात है, जैसे कि मशरूम नहीं बनता वो तो कभी बनवाती नहीं हो आप, साग खा के ले आती हो, साग बनाएंगे साग बनाएंगे साग बनाएंगे, और वो भी पूरी कंपनी देती है स्वाद। आज न्यू कैलेंडर लेके आई थी मार्केट से, तिरुपति महाराज जी। यहाँ पे हम खाना खा लेते हैं और यहीं पे मैं व्लॉग को एंड करती हूँ। आई होप कि ये व्लॉग आपको पसंद आया, अगर पसंद आया तो करना लाइक कमेंट शेयर और मेरे चैनल करना सब्सक्राइब। मिलता है बहुत जल्दी अच्छे से होगा, तब तक के लिए आप भी करो बाय।